वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर वायुसेना के विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। वहीं वायुसेना चीफ, सेना प्रमुख समेत कई मेहमान कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो पूर्व क्रिकेटर और वायुसेना में ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी एयर शो का हिस्सा रहे। देखिए इस पर ये स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश भर में विजयादशमी की धूम और रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ आज वायुसेना दिवस भी मनाया जा रहा है। लिहाजा वक्त है देश के लिए दिन रात एक करने वाले वायुसेना के जवानों को सलाम करने का। दरअसल हमारी सेना का तीसरा सबसे बड़ा अंग यानी वायुसेना इस साल अपना 87वां एयरफोर्स दिवस मना रही है। इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुखों ने नई दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद हिंडन एयरबेस पर बड़ा एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। बता दें कि इस मौके पर पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 विमान और उन विमानों को चलाने वाले पायलटों ने एक बार फिर अपना दम दिखाया, तो मिग-21 बायसन विमान में विंग कमांडर अभिनंदन ने भी उड़ान भर दुश्मनों के मंसूबों को फिर नाकाम कर एक ऊंची उड़ान भरी। इस दौरान माहौल पूरी तरह देशभक्ति का रहा और लोगों ने भारत माता की जय से अभिनंदन का स्वागत किया। वहीं हिंडन एयरबेस के ऊपर आसमान में करतब दिखाते इन लड़ाकू विमानों को देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि हमारे जवानों ने इस साल सफलता से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर किसी भी कदम को उठाने को तैयार हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर हमारे जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, तो दूसरी तरफ दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मौके पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। कुल मिलाकर 87वें वायुसेना दिवस के स्थापना दिवस पर एयर शो बेहद खास रहा। एयर शो में अपाचे, चिनूक, डकोटा, तेजस और सूर्य किरण की टीम ने जब उड़ान भरी तो पूरा परेड स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और जय हिंद के शोर से गूंज उठा। करीब एक घंटे तक हवा में वायुसेना के वायुवीर ने अपनी एकाग्रता, लगन और शक्ति को प्रदर्शित कर दुश्मनों को उसकी तरफ आंख न उठाने की बड़ी सीख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।